अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है सोहेब और आप देख रहे हैं कंप्यूटर साइंस यूट्यूब चैनल। आज हम बात करेंगे ऑप्टिकल डिस्क की एक टाइप मतलब के सीडी रोम के बारे में। पहले थोड़ी बात करते हैं ऑप्टिकल डिस्क की। तो ऑप्टिकल जो नाम है वो ऑप्टिक से निकला है और ऑप्टिक का मतलब होता है लाइट, मतलब कि ऐसी टेक्नोलॉजी जिसमें हम लाइट की मदद से अपना डाटा रीड एंड राइट कर सकते हैं। और स्टोरेज का मतलब तो आपको पता ही होगा, एक ऐसा मीडियम जहां हम अपना सारा बाइनरी डाटा स्टोर कर सकें। ऑप्टिकल डिस्क की टाइप की बात करें तो वो सबसे पहले हमारे पास आती है सीडी रोम। CD स्टैंड फॉर कॉम्पैक्ट डिस्क। ये कॉम्पैक्ट डिस्क 1984 में इन्वेंट हुई थी और ये हमारे डाटा बिट मतलब 1 और 0 की शक्ल में स्टोर करती है। इन CDs में कैपेसिटी ज़्यादा नहीं होती, जस्ट 700 MB होती है, मतलब 700 MB तक हम कोई भी डाटा स्टोर इसमें कर सकते हैं। ठीक इसी के 12 साल बाद मतलब कि 1996 में न्यू जेनरेशन आई, मतलब सीडी का ही फ्यूचर था जिसका नाम था DVD। DVD स्टैंड फॉर डिजिटल वर्सेटाइल डिस्क, इसे हम डिजिटल वीडियो डिस्क भी कहते हैं। ये सीडी का ही एक अपग्रेड वर्जन था, बट इसमें हम MBs में नहीं बल्कि GBs मतलब गीगाबाइट्स में डाटा स्टोर कर सकते हैं और इसकी कैपेसिटी 3-4 GB तक होती थी। अब टेक्नोलॉजी तो बढ़ती जा रही थी और ऐसे ही हमें डाटा स्टोर करने के लिए ज़्यादा कैपेसिटी की ज़रूरत पेश आने लगी। तो इसी को मद्देनज़र रखते हुए 2006 में ब्लू रे डिस्क आई। इसमें हम बहुत सी वीडियोस, पिक्स, ड्रामे के एपिसोड, फिल्म्स एक साथ स्टोर कर सकते हैं। जी हाँ, बिकॉज इसकी जो कैपेसिटी है वो 25 से या 50 GB तक होती है। कुछ कुछ ब्लू रे डिस्क में इससे भी ज़्यादा कैपेसिटी हो जाती है। अब बात करते हैं इसकी वर्किंग की, कि कैसे वर्क करती है। तो ये डिस्क ग्लास मटेरियल से बनी होती है। अगर हम इसे करीब से देखें, माइक्रोस्कोपिक से देखें, तो इसकी सरफेस दो तरह की नज़र आएंगी। फर्स्ट जो होगी वो पिट होगी और जो सेकेंड होगी वो फ्लैट होगी। पिट में छोटे छोटे से होल होते हैं जबकि फ्लैट सरफेस में नहीं होते। अब ये क्या होती हैं अभी आपको समझ नहीं आएगा, ज़रा ध्यान दीजिए। जब हम अपनी CD या DVD को CD रूम में एंटर करते हैं तो CD रूम में या DVD रूम कह लो, तो DVD रूम में एक डायोड लगा होता है और उसके साइड में फोटोइलेक्ट्रिक सेल लगा होता है। अब जो डायोड होता है इसमें से लाइट डायरेक्ट स्ट्राइक करती है CD पर। तो यहाँ दो बातें सामने आती हैं कि फ्लैट सरफेस से जब लाइट स्ट्राइक करती है तो वो दोबारा रिफ्लेक्ट में जाती है ऊपर फोटो इलेक्ट्रिक सेल पर, और वो फोटो इलेक्ट्रिक सेल डिटेक्ट कर लेगा और हमें पता चल जाएगा कि ये हिस्सा 1 का है। अगर रिफ्लेक्ट होकर लाइट फोटो इलेक्ट्रिक पर जाएगी तब 1 होगा, अगर नहीं जाएगी तो 0 होगा। तो जो रिफ्लेक्ट होकर जाएगी वो फ्लैट सरफेस होगी और जहाँ रिफ्लेक्ट होकर नहीं जाएगी वो पिट का हिस्सा होगा। तो लाइट पिट पर रिफ्लेक्ट नहीं करती, इससे फोटो इलेक्ट्रिक सेल को पता चल जाता है कि ये 0 है। तो इस तरह हमारा डेटा रीड एंड राइट होता है कॉम्पैक्ट डिस्क में। अब बात कर लेते हैं CD, DVD और ब्लू रेज में डिफरेंस की। तो सबसे पहला डिफरेंस कैपेसिटी का होता है। CD में 700 MB, DVD में 3 से 4 GB और ब्लू रेस में 25 से 50 GB, मतलब के हर डिस्क में 6 गुना 7 गुना ज़्यादा कैपेसिटी होती है और यही एक डिफरेंस होता है। अब दूसरे डिफरेंस की बात करें तो वो डिफरेंस आता है लेज़र टेक्नोलॉजी का। तो CD में इंफ्रारेड रेस का यूज़ होता है, वो इसे स्कैन करती हैं और हमारा डेटा रीड एंड राइट करके हमें बता देती हैं। वैसे एक नॉलेज की बात बताता चलूं कि इंफ्रारेड रेस वही रेस होती हैं जो कि मॉल या होटल्स के डोर में होते हैं, कि जब हम इंटर होते हैं तो वो पहले ही डिटेक्ट कर लेते हैं डोर्स के कोई ह्यूमन आ रहा है और उस डोर को खुलना है। अब बात करते हैं DVD के लेज़र की। तो इसमें रेड वेव्स का यूज़ होता है। बेसिकली इनमें वेवलेंथ का ही फ़र्क होता है। वेवलेंथ क्या, जैसे कोई वेव ऊपर से नीचे जाकर वापस ऊपर आती है तो वो जो ऊपर के दो कॉर्नर होंगे उनके बीच के डिस्टेंस को वेवलेंथ कहते हैं। जितना वेवलेंथ कम होगा और तंग होंगे उतने ही हमारे डाटा स्टोर हो सकता है और डिस्क की कैपेसिटी उतनी ही बढ़ सकती है। अगर ज़्यादा होंगे तो हमारे डिस्क की कैपेसिटी कम होगी, हमारा डाटा कम स्टोर होगा, और जितना जितना तंग होंगे उतनी उतनी हमारी कैपेसिटी डिस्क की ज़्यादा होगी और उतना ही हमारे
डाटा ज़्यादा स्टोर करने की पॉसिबिलिटी बढ़ जाएगी। अब बात करते हैं ब्लूरे डिस्क की, तो इस डिस्क में ब्लूरेस का यूज़ होता है और इसके वेव सीडी डीवीडी से भी ज़्यादा तंग होते हैं, इसलिए इसकी कैपेसिटी इन दोनों से ज़्यादा होती है और हम इसमें ज़्यादा से ज़्यादा डाटा स्टोर कर सकते हैं। सो फ्रेंड्स, ये था आज का टॉपिक। वीडियो को छोड़ के जाने से पहले आप कंप्यूटर साइंस चैनल को सब्सक्राइब कर लें प्लीज़, और पास लगी ना बजने वाली बेल को भी बजा दें, और वीडियो पसंद आने की सूरत में एक लाइक और एक शेयर भी ज़रूर कर दें। मैं मिलूंगा एक न्यू वीडियो में, तब तक के लिए अपना और अपनी फैमिली का खास ख्याल रखना। अल्लाह हाफिज़।